हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल व्यू के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे लिए, मेरे संस्थान पीपीला इंस्टीट्यूट के लिए और आप सभी प्रतिभागियों के लिए एक बहुत उत्साह का दिन है कि झारखंड हायर जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट आउट हुआ है। और मेरे संस्थान के लिए विशेष तौर से ये खुशी का दिन इसलिए है कि मेरी विद्यार्थी नमिता चंद्रा ने इस परीक्षा को टॉप किया है। सी गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन इन दैट रिजल्ट, और ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है। इससे ज़्यादा यह विषय मेरा मनोबल बढ़ाने वाला है किस कार्य के लिए, कि मैं HJS के लिए विगत एक साल से स्पेशल क्लास चला रहा हूँ, बहुत ही स्पेशल क्लास मैं चला रहा हूँ HJS के लिए। और उस क्लास में बेयर प्रोविजन की चर्चा इस तरह से होती है कि इस पर क्वेश्चन मेंस का बनेगा तो केस लॉ बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कल ही अभी CPC में ऑर्डर 14 में पढ़ा रहा था, उसमें प्रिलिमिनरी इश्यूज एंड एडिशनल इश्यूज, ये क्या हैं? प्रिलिमिनरी इश्यूज पर क्या जजमेंट पास हो सकता है, डिक्री पास हो सकती है? क्या प्रिलिमिनरी इश्यूज बिना एविडेंस के भी डिसाइड हो सकते हैं? लिमिटेशन पीरियड से अगर कोई सूट बार्ड है तो कब उसमें प्लेंट रिजेक्ट होगा और कब जो है डिसमिस ऑफ सूट होगा, डिक्री होगी, इसमें दोनों में क्या अंतर है, ये कब हो सकता है? इन तमाम प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं और हम अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक मित्रतापूर्ण संवाद करते हैं जिससे कि सबकी एनर्जी मिलकर लगे। ठीक है कि आपके सफल होने से मैं सफल होता हूं, यानी मैं अगर सफल होना चाहूं तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं आपको सफल बनाऊं। इसी कारण से मैं गुरु की भूमिका में होता हूं और आप शिष्य की भूमिका में होते हैं। लेकिन HJS के प्रतिभागी इस स्तर पर होते हैं कि वो मैत्रीपूर्ण संवाद के योग्य होते हैं, और यही कारण है कि हमारी क्लास में मैत्रीपूर्ण संवाद होता है। आप भी बिना किसी संकोच के कोई विषय उठाएंगे और रखेंगे से सारे विद्यार्थी, आपके जो मित्रगण हैं, लाभान्वित होते हैं। मैं उसकी व्याख्या करता हूं, यानी आगमनात्मक की जगह निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है पढ़ने पढ़ाने में। खुद से निवेश करिए, अपना भी ज्ञान उसमें डालिए। तो मेरे साथ आप HJS की तैयारी अगर कर रहे हैं तो जुड़िए। मैंने एक प्रतिज्ञा ली है और मुझे एक पीड़ा की अनुभूति हुई है। पीड़ा की अनुभूति किस बात की है? पीड़ा की अनुभूति इस बात की है कि इस देश में केवल एक ऐसी परीक्षा है जिसकी वैकेंसी इसलिए खाली चली जाती है कि क्योंकि कोई न्यूनतम मार्क्स नहीं पाता, मिनिमम मार्क्स अचीव नहीं करता। यह मेरे लिए पीड़ा है, यह मेरे लिए एक मेंटर ऑफ लॉ होने के नाते शर्म का विषय है। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, एक लॉ मेंटर के होने के नाते हमने इस देश को, इस समाज को, इस समाज से ऐसे योग्य विद्यार्थियों को तैयार नहीं किया जो उन मिनिमम मार्क्स को अचीव करें। बहुत सी वैकेंसीज खाली चली जाती हैं, तो ये पीड़ा है, ये अफसोस है। और यही से प्रतिज्ञा है कि अब कोई HJS की वैकेंसी खाली नहीं जाएगी, इस आधार पर खाली नहीं चली जाएगी कि मिनिमम मार्क्स पाने वाले नहीं हैं, नहीं जाने दूंगा। और आप मेरी इस प्रतिज्ञा में सहभागी बनेंगे तो मैं इस प्रतिज्ञा से ऊर्जा जो पैदा करूंगा, इससे आपकी चमक बढ़ेगी, सफलता आपको मिलेगी, जज आप बनेंगे, एडिशनल डिसीजन डायरेक्टर आप बनेंगे, मुझे खुशी की अनुभूति होगी। यह वही होगा जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध था कि महासम्राट चंद्रगुप्त बने। चाणक्य को संतुष्टि इस बात की थी कि उन्होंने भारतवर्ष का एकीकरण कर लिया है। तो मेरे साथ अपनी ऊर्जा, मेरे साथ अपना समय जोड़िए और इस लक्ष्य को पाने में मेरे सहयोगी बनकर स्वयं को सफल बनाइए। एक बार पुनः नमिता चंद्रा को इस स्वर्णिम सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सब अगर HJS के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए 8957568536 पर संपर्क करें, आप उसमें जुड़िए। मेरा ये आपसे आग्रह है कि जुड़िए जिससे कि ये वैकेंसीज खाली न जा सकें। प्री सब लोग क्वालिफाई कर ले रहे हैं, मेंस में दिक्कत हो रही है, आइए मेरे साथ जुड़िए, विधिवत नोट्स बनाइए, डिस्कशन करिए। तो अगर ये वीडियो मेरी आपकी मोटिवेशनल लगे,
आपके वो लाभदायक लगे तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी चैनल पर जुडिशियल व्यू के चैनल पर आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखिए, बहुत सारे वीडियोज पड़ी हुई हैं जिनमें मैं केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करके केस लॉ के सपोर्ट से उनका आंसर कर रहा हूं। एक सीरीज चल रही है, ये कंटिन्यूअस चलती रहेगी, तो आप इस YouTube चैनल से जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ एक बार नमिता चंद्रा को पुनः बहुत बहुत बधाई। नमिता, आपने हमें गौरवान्वित किया है, आपके वजह से हमें गर्व का अवसर मिला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।